वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.3 के प्रश्न। 8.3 के जो प्रश्न आज हम पढ़ाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शुरू के। तो जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी टच कर दें। इससे ये होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे यहाँ से पढ़ा करके वो आप लोगों के मोबाइल सेट पर उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप तत्काल उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम देखते हैं अपना प्रश्न। इसमें कह रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी आपको मान पता करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फाइल। पहले एक के दो क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्न नंबर एक में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन्हें पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को देखते हैं कि कैसे लगाया जाएगा, ये आप लोग देखिए। देखिए इसमें लिखा है साइन 18 अंश बटा कास 72 अंश का मान कितना होगा। तो साइन 18 अंश का मान हम पहले निकालते हैं। एक का मान चेंज करना होगा, चाहे कास का मान चाहे साइन का मान, हम एक का मान चेंज करेंगे। तो देखिए हम साइन 18 अंश बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, 72 अंश, 90 माइनस 72 अंश हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको साइन 18 लाना है, तो अगर हम 90 में से 72 घटा देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। अब ये एक फार्मूले का रूप लेता है। फार्मूला जो आपका है वो है, तो फार्मूला अभी हम बता रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, यानी ये सब मिला करके साइन 18 अंश बराबर हो गया कास 72 अंश। अब कैसे हो गया ये, इसका एक फार्मूला है, यानी होता है क्या, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा के, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, यानी अगर 90 में से कुछ हम घटाते हैं तो वो मान चला जाएगा कास के पास। तो जैसे हमने यहाँ पे 90 में से कितना घटाया, 72 घटाया, तो इसका मान कितना आ गया, कास के पास 72 अंश आ गया। तो इसी तरीके से जैसे हमने, देखिए यहाँ पे साइन 18 का मान हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 72, 72 घटाएंगे 90 से तभी तो आएगा 18। तो 18 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जब इस टाइप से लिखेंगे तो ये इस फार्मूले का रूप बन जाता है, और फार्मूले का रूप बन जाएगा तो हमारा आ जाएगा कास 72 अंश। अब देखिए साइन का मान हमने कितना ले आया, कास 72 अंश। अब हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, अतः कास 72 अंश बटा कास 72 अंश। देखिए कास 72 कैसे हो गया, साइन का मान हमने, साइन 18 का मान कितना निकाला, कास 72, तो इसकी जगह पे हमने कास 72 लिख दिया और नीचे कास 72 है ही। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा मान कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर इसका दूसरा। इसमें दिया गया है टैन 26 और काट 64, सेम वही प्रश्न है। तो टैन 26 का मान हम बदल देते हैं, टैन 26 अंश बराबर टैन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कितना 64 कर देते हैं यहाँ पे, 90 माइनस 64, 90 से अगर हम 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 हमारा आएगा। 26 का मान हमें पता करना, तो 90 में से हम 64 घटाए तभी तो आया। अब ये आपका फार्मूले का रूप हो गया, टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं टैन 26 अंश बराबर काट कितना 26 अंश, क्योंकि टैन 90 माइनस 64 का मान, 90 माइनस थीटा का मान काट थीटा होता है। तो सॉरी ये 64 रहेगा, 64 अंश। अब देखिए इसके जगह पे कितना है, टैन 26 का मान कितना आ गया काट 64, तो इसकी जगह पे हम काट 64 लिख सकते हैं। तब काट 64 बटा नीचे काट 64 है ये, ये देखिए दोनों बराबर आ गए, हम इसको काट सकते हैं बराबर 1, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो
उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये दोनों प्रश्न कंप्लीट हुए, अब चलिए इसका तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरे प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न जो है वह है कास 48 कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। ये है, अब इसमें भी देखिए हमको एक का मान इसमें चेंज कर देना है। हम साइन का मान चेंज करते हैं, मान लेते हैं हम साइन का मान हम चेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए साइन 42 का मान है, साइन 42 अंश बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 जब घटाएं देंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा ही, 90 में से 48 घटाएंगे 42 आएगा। तो ये फार्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कास 48 अंश। कहने का मतलब इसकी जगह पे साइन 42 बराबर कितना हो गया आपका, साइन 42 बराबर आ गया कास 48। तो हम लिख सकते हैं तब कास 48 अंश माइनस कास 48 अंश, दोनों में कास कास लगा देते हैं क्योंकि इसका मान भी कास 48 आ गया। अब इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये फार्मूले जो हैं, जो फार्मूला हमने बताया आप लोग को, ये आपके बुक में मिलेंगे, सब बुक में अवेलेबल हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। हम जहाँ आवश्यकता पड़ रही उस फार्मूले का जिक्र। हाँ तो चलिए सवाल नंबर इसका 4 देखते हैं। दिया गया है कासेक 31 माइनस सेक 61, कासेक 31 माइनस सेक 59 अंश, ये आपको दिया गया है। अब एक का मान इसमें हम बदल लेंगे, यानी कासेक 31 अंश बराबर होगा कासेक 90 माइनस क्या 59, यानी 59 में से जब हम 90 में से जब हम 59 घटाएंगे तभी तो हमारा कितना आएगा 31 आएगा। अब ये आपका एक फार्मूला बन गया, फार्मूला बना कास 90 माइनस कासेक, कासेक 90 माइनस थीटा बराबर तो हो जाएगा ये सेक थीटा या सेक कितना सेक 59 अंश। अब देखिए कासेक का मान कितना निकल आया, देखिए कासेक 31 का मान निकल आया सेक 59, तो इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं अब सेक 59 अंश माइनस सेक इधर ही है सेक 59 अंश सही है, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों का घटाओ 0, यही आपका क्या हो गया उत्तर। तो ये पहला सवाल आपका समाप्त हुआ। अब चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर में दो में कह रहा आपका टैन 48 टैन 23 टैन 42 इंटू टैन 67 बराबर 1, मतलब ये सब मिला के आपको एक सिद्ध करना है, सिद्ध लाना है, दिखाना है। तो चलिए हम देखते हैं, ये हो जाएगा आपका टैन 90 माइनस 48 का मान कितना होगा, टैन 90 माइनस 42 जब कर देंगे तो हमारा 48 प्राप्त हो जाएगा, फिर टैन इंटू है टैन 90 माइनस 67 अगर कर देंगे तो 23 आ जाएगा, 90 में से 67 निकालेंगे तो 23 आएगा, और इसको वैसे ही रहने देते हैं इंटू टैन 42 और इंटू टैन 67 अंश। अब देखिए इसका मान टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा, काट 42 अंश हो गया ये, गुणे टैन 90 माइनस थीटा यहाँ भी है ये भी काट कितना हो जाएगा 67 अंश हो जाएगा, फिर गुणे टैन 42 है लिख देते हैं टैन 42 अंश गुणे टैन 67 अंश। अब देखिए ये काट है, काट का मान जो होता है 1/10 होता है, यानी काट का मान कितना होता है हम यहाँ लिख देते हैं काट बराबर 1/10 थीटा, यानी काट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। तो यहाँ पे हम 1/10 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 42 अंश गुड़े 1/10 67 अंश गुड़े टैन 42 इधर रही है 42 अंश इंटू टैन 67 अंश,
ये तो फार्मूला है इधर। अब देखिए टैन 42 से टैन 42 कट गया, टैन 66 से टैन 66 कट गया, तो सब जब कट गया तो कितना है बराबर आंसर हमारा आ गया, आंसर बराबर 1, तो सिद्ध हो गया ये हमारा, दायां और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गई। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा वाला। हाँ इसका दूसरा देखिए, cos 38 इंटू cos 52 अंश, फिर साइन 38 इंटू साइन 52 अंश, तो एक का मान हम इधर दो का मान बदल लेते हैं, इसका इसका, चाहे इसका इसका बदल लेंगे तब भी आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया cos 90 माइनस 90 माइनस कितना हो जाएगा 52, अगर हम घटा देंगे 90 में से तो हमारा 38 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा cos 90 माइनस, इस बार 38 घटा देंगे तो हमारा 52 प्राप्त हो जाएगा, माइनस ये इसको ऐसे रहने देते हैं साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। अब ये हो जाएगा आपका 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 52 अंश इंटू, फिर इसका मान भी हो जाएगा साइन 38 अंश माइनस साइन 38 अंश और इंटू साइन 52 अंश। तो देखिए यहाँ पे सेम सेम आया साइन 52 साइन 52 साइन 38 साइन 38, मतलब घटाना है तो दोनों जब घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान, या ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों मान हमारे बराबर हैं, जीरो लिख करके बराबर जीरो, दोनों पक्ष आपस में बराबर है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये दो सवाल आज आपके कंप्लीट हो गए।